I'm C.A. Shreati and I'm going to help you out in C.A. Inter Taxation. Rather, I'm going to guide you to score bare exemption in this subject. This subject, my subject Taxation, is one of the most beautifully crafted subject. Not because I am teaching it, but because it is solely based on logics. I will not ask you to mug up things. I will ask you to understand and learn things so that you remember it for infinite period of time.

And the other one is a pretty notorious one, a naughty one, iska Dost hai or Voska naam hai Kiku. These two friends are gonna ask me questions, which students generally do in a face-to-face -face class. And with these two friends, T2 and Kiku, I'm gonna help you out with your doubts. Secondly, the lectures that I'm gonna help you out will be as per the Finance Act 2019, which shall help all those students appearing in May and November 2020.

ज बीन सेग्रीगेटेड इन टू टू पार्ट एज यू कैन सी इट ऑन यी इनकम टैक्स द बिग पोर्शन सिक्सटी मार्क्स एंड इन डायरेक्ट टैक्स जी एस टी फोर्टी मार्क्स आप लोगों को यह भी जानकर बड़ी खुशी होगी दर्टी परसेंट ऑफ योर हंड्रेड मार्क्स इज एमसी क्यूज विदेटिव मार्किंग एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट की तरफ से नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दैट इज आई सिंग ऑन द केक की आप लोगों के पास एमसीक्यूज है थर्टी फ्री फंड मार्क्स है ऑफ कोर्स यू शुड नो द करेक्ट आंसर तो 60 परसेंट इनकम टैक्स इज व्हाट वी विल टेक अप फर्स्ट फॉलोड बाय जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस ओके कमिंग ऑन टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एंड टी ने हाथ उठा रखा है टी मैंने तो पढ़ाना भी चालू नहीं किया यू स्टिल हैव डाउट कहते हैं एब्सोल्यूटली सर आई वांट टू नो द वेटेज ऑफ चैप्टर नंबर वन ओके वेटेज क्या है

तो नाइन टू टेन मार्क्स भी फ्री जैसे ही है तो एमसीक्यूज 60 का या मार्क्स मार्क्स इसके इसके और 10 दोस्तों बहुत ही आसान है to 11 से चलते जाएंगे और धीरे धीरे आई विल बी आई विल बी सॉल्विंग आउट ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज इन चैप्टर नंबर वन ओके किकू

ओके तो यू हैव फोर वेरी वैलिड क्वेश्चन आपके पहले तीन क्वेश्चन वॉट इज टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्सेज नॉट उसके बारे में चर्चा करेंगे दर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माई फ्रेंड की कू इज वॉट इज टैक्स टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज इट्स कंपल्सरी वन इट इज इटिव ऑफ योर विश्व विल मुझे इस साल देने का मन नहीं कर रहा ऐसा नहीं इफ यू आर अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव टू टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी एज टैक्स द गवर्नमेंट हाउ या हाउ शुड बी कंप्यूटेड इज वॉट हेल्प यू आउट विद तो क्या है टैक्स क्या है इट्स अ कंपल्सरी चार्ज दैट यू विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो इफ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स दैट गोज इन टू द पॉकेट ऑफ मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इफ आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी जीएसटी में इट गोस टू बोध द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी के बारे में डिटेल डिस्कशन विल फॉलो वेन आई स्टार्ट विदर्टी पोर्शन फोर्टी पर्सेंट मार्क्स वाला पोर्सन जीएसटी टैक्स इज में चार्ज डिवाइड बाई गल एंड स्टेट ऑन अट इनकम एक्टिविटी एज एन वेन यू परचेज अ प्रोडक्ट टी टू सॉरी आपके हाथ में फोन है या आपने कब खरीदा कहते हैं सर आई जस्ट परचेज इज ट्वेल्व डेज बैक डिड यू पे समाउंट ऑफ मनी डिड यू लुक डिड यू हैव लुक एट द बिल दैट यू परचेज यू फोन कहते हैं हां उसमें जीएसटी करके लिखा हुआ था सी जी एस टी सिक्स परसेंट एस जी एस टी सिक्स परसेंट ये करेक्ट तो दिस इज द टैक्स दैट यू पेड ऑन द प्रोडक्ट इनकम जब आप कोई कमाई करते हो उस पर टैक्स देते हो दैट इज नोन एज इनकम टैक्स एन एक्टिविटी विच बेसिकली रिलेट्स टू सर्विस सर्विस पर भी जीएसटी लगता है तो इन सिंपल लैंग्वेज

ट्वेंटी लाख रुपीज पे लगभग टैक्स कर आएगा फोर लाख ट्वेंटी रुपीज दिस इज वॉट यू टूर बीयर एंड दिस इज वॉट यू टू पे हाउ एवर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन टू यू बट यू सम हाउ पास इट ऑन टू अनदर पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन एंड फॉर दैट आई है आपका क्वेश्चन था तो मैंने आप ही को एग्जाम्पल में लेकर

kiku is new in the market. he spends 80,000 rupees per month plus gst because you are receiving services. you will have to pay gst on advertising which includes pamphlets, digital marketing, etc., etc. and through these services that you are receiving, you are providing services, you have got some clients, and from clients you will be earning, you will be charging some amount of money. so kiku provides tax consultancy services.

कहते हाँ सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ जीएसटी का बताओगे तो शायद हो सकता है पूरा क्लियर हो जाए ओके कमिंग ऑन टू द जीएसटी पोर्शन एज पोर्शन जीएसटी में मैंने कहा था बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ टैक्स विल फॉल ऑन टू यू किकू आपके ऊपर आएगा एंड देन यू विल पास ऑन पास इट ऑन टू द अनदर पर्सन आगे भेजोगे वो कैसे होगा दिस इज वॉट यू विल हैव टू कीप इन माइंड देखो जी नेक्स्ट नेक्स्ट जीएसटी आ रहा है एंड जीएसटी देखो

तो so, फिर क्यों नहीं दूंगा बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट यू हैव एक्चुअली पेड रिसीविंग सर्विसेज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट पे नाइन लैख सिक्सेंड इज वॉट यू पेड फॉर द सर्विसेज एंड ऑन दैट अमाउंट यू पेड एटीन परसेंट विच इज कमिंग आउट टू बी वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड अब एट द टाइम ऑफ रिसीविंग सर्विसेज दिस बर्डन ऑफ वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड केम ऑन टू यू However, when you collected tax from your clients, the amount of tax that you have already paid, that is what you reduced, reduced from 4,32,000 and that is what you kept in your pocket, and the remaining 2,59,200 is what you paid to the government. I hope I have made myself pretty clear about this fact. Absolutely, sir. The GST being an indirect tax, the burden finally got on to the clients.

तो कस्टम ड्यूटी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे बस यह पता होना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स न कमिंग ऑन टू दर्ड क्वेश्चन की दैट यू मी आर इन इंडिया दोस्तों द टैक्स दैट द गवर्नमेंट लिवाय इज नॉट फॉर देअर ओन बेनिफिट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस वन थर्टी बिलियन पीपल ऑफ आर नेशन दे कलेक्ट टैक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन And the amount of taxes that are collected by the government are spent on education of poor people, on health care. You can see government hospitals on arms and emanations, defense system, so that we can protect our country from the neighboring ones, which are not as good. You know that. So I'll just read it out for you. Taxes are a basic source of revenue for the government for the betterment of the nation. The taxes collected are utilized for meeting expenses in the nature of defense. एजुकेशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चरल फेसिलिटीज लाइक रोड एक्सेट्रा ठीक है सर एंड सर फोर्थ क्वेश्चन जो मेरे को मन में हमेशा डर लगा रहता है कि सर डू आई नीड टू पे टैक्सेस इनकम टैक्स एज ऑफ नाउ नो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट अर्निंग इफ यू आर अर्निंग अब स्पेसिफाइड लिमिट यू टू पे इनकम टैक्स एज एंड इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी की बात करें इफ यू आर प्रोक्योरिंग सर्विसेज इफ एनी अमाउंट ऑफ गुड्स यू विल हाँ सरकार को जाके आप नहीं पे करते नॉट पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट यू पे जी एस टी टू दॉम होम आर परचेजिंग गुड्स और रिसीविंग सर्विसेस आई थिंक आई मेड माई सेफ प्रोडिक्लियर ऑन दिस फैक्ट कहते हैं एपसोल्यूटली सर तो ये छोटे मोटे हमारे जो पॉइंट थे जो छोटे मोटे मेरे दोस्त के क्वेश्चन थे किंग्रीडी क्लियर अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हो कहते नहीं सर स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर वन विदर्स्ट सेक्शन सेक्शन नंबर बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स वॉट इज द बेसिस ऑफ लिवाइंग इनकम टैक्स दिस इज वॉट सेक्शन फोर इज गेल्प एस आउट विथ विद स्टेट देर आर थ्री फोर लाइन्स और उन लाइंस को पढ़ते ही हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन द टोटल इनकम सी यू कैन सी इन इन द दीज थ्री फोर लाइन देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड विच हैलो कलर एंड दिस इज वॉट वी विल कीप ऑन डूंग इन दर्दर सेक्शन एज वेल तो इफ इफ आई कैन प्लकआउट दीज फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट And we will have a good discussion on these five important points. We will try and relate those five important points to each other. And then these three and a half lines will be absolutely crystal clear word by word. And then the total income of previous year of every person shall be charged to income tax in the next following assessment year at the rates applicable to the relevant assessment year. So, as I just said, I'll pluck out these five important points. This means subsip. टोटल इनकम और टोटल इनकम को दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं विच द गवर्नमेंट है लेट एज अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ द अब सेक्शन टू मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर इनकम विच फॉल्स अंडर सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी फोर अच्छा सर सर पहला सेक्शन आया है हमें सेक्शन याद रखने हैं क्या

अच्छा मैंने बोला इनकम को कितने हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों इनकम हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइव हेड्स फाइव हेड्स एंड दीज फाइव हेड्स आर गोना टेक द मेजर पोर्शन ऑफ अर इनकम टैक्स और उनकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है सबसे पहला हेड आता है सैलरी सैलरी बहुत छोटे में बताता हूं इज सिचुएशन वेयर देयर इज अ बॉस एंड देयर इज एन एम्प्लॉई तो अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द अदर पर्सन

एक एम्प्लॉयर है द बॉस एक एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर के लिए काम करता है एन एम्प्लॉयर मेक्स पेमेंट पीरियडिकली विच इज जनरली अ मंथ हर महीने पैसा दिया जाता है और उसे सैलरी बोलते हैं डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन चैप्टर नंबर थ्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स सेकेंड रेंट फ्रॉम बिल्डिंग आई हैव प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट टू लेट कीकू

जिन्हें अपन क्या बोलते हैं कहते हैं हैं सर five heads of income बोलते जिसमें से तीन हैं लोगों के सामने आ चुके हैं सैलरी हाउस सेक्शन से मेरे पास एक प्रॉपर्टी है घर है एंड हैव सोल्ड दैट प्रॉपर्टी टू टी2 एंड ऑन सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट अर्निंग्स आई विल हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द फोर्थ हेड कैपिटल गेन्स शेयर हैं, ज्वेलरी है ये जब मैं बेचूंगा और बेचने पर मुझे फायदा होगा तो उस फायदे पर सरकार को टैक्स दिया जाता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड द फिफ्थ वन कहते हैं इनकम नॉट कवर्ड एनीयर इनकम इफ कुट बी कवर्ड अंडर द फर्स्ट फोर हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स Then it will lock the doors of the fifth head of income, which is known as I.O.S. Income from other sources. Okay, the income not covered anywhere. Example: Income from other sources such as dividend, lottery, interest, gift in excess of fifty thousand rupees, etc. So these are the five heads. If clubbed together, you will arrive at total income. So you will earn income under these different different five heads. इन सबको जोड़ दूंगा तो टोटल इनकम पर आ जाऊंगा तो दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट इफ यू गाइस कैन रिमेंबर जो बोला था द टोटल इनकम तो टोटल इनकम को भी मैंने दो हिस्सों में तोड़ा इनकम विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉस ट्वेंटी फोर को जोड़ने के बाद भी छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस द फॉर्म ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से सरकार को छूट भी देती है मैं इन सब के बारे में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा तो यू डू नॉट है जोड़ दूंगा मैं क्लबिंग सेट ऑफ एंड डिडक्शन निकाल लूंगा एंड देन इज वेन आई विल अराइव एट अराइव एट टोटल इनकम एवरीबडी क्लियर अबाउट एप्सोल्यूटली नेक्स्ट आता है क्या बोला था अगर सेक्शन फोर अगर ध्यान आ रहा है द टोटल इनकम ऑफ टी टू प्रीवियस ईयर सर आ जाओ भाई नेक्स्ट स्लाइड प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर एज द नेम सजेस्ट प्रीवियस ईयर एज द नेम सजेस्ट मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ऑल दो स्टूडेंट अपियरिंग इन मे नवंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 प्रीवियस ईयर 1920 इज एप्लीकेबल फॉर यग और हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो प्रीवियस ईयर व्हिच इज बेसिकली प्रीसीडिंग ईयर टू असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड पिछला साल as the name suggests previous previous to what previous to assessment year previous year is the year which is preceding the assessment year and it is the year in which we earn income जिस साल हम पैसा कमाते हैं अच्छा सर calculate कब करते हैं नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर तो यहां पे earn income रहा है in the previous year and असेस इनकम हो रहा है असेस को यू कैन ऑल्सो से कैलकुलेट कर रहे हो यू कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर ओ अब सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ आ जाओ भाई आ जाओ अब और आगे क्लियर कराता हूं डोंट वरी अबाउट दैट नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आप लोगों का प्रीवियस ईयर सेक्शन थ्री कहते हैं प्रीवियस ईयर मींस

इनकम टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम इनकम कौन से साल की देख रहे हैं इनकम ऑर्न देखी जाती है प्रीवियस इन एंड इट इज अड इट इज कैलकुलेटेड इट इज डिटर इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच इज कॉल्ड एन असेसमेंट इयर क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ

कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया हाउ एवर प्रीवियस की सारी बातें यहां खत्म नहीं होती दोस्तों छोटे मोटे नोट्स हैं उन नोट को न्यूली सेटअप बिजनेस तो वेयर यू स्टार्ट अस दिडल ऑफ द डेट ऑफ सेटिंग अप्रॉम द फर्स्ट ऑफ्रिल स्टार्ट फ्रॉम द डे वेन यू से बिजनेस आई विले एन एक्साम्पल टू दिस Onto the right hand side, so that we can have a conceptual clarity about this point of the business to the end of the financial year in which business was set up. If a source of income comes into existence, it is coming into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the date on which the source of income newly comes into existence to the end of the financial year. So, let's say T2, if you are starting with a new business, let's say of garments, on the 12th of टस्ट टू थाउजेंड नाइन ठीक है ईयर कहते हैं नो सर ऐसा नहीं होगा इट विल ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी इन दिस केस दोस्तों Previous year, if I ask you a true or false question, previous year will always be a period of 12 months. False. Because previous year can be a period less than 12 months also. And in what a situation will that happen? Where you start up a business in the middle of the year. However, in case of assessment year, you will see that it is a period of 12 months commencing on the first day of April every year. We are coming on to the assessment year, on to the next slides. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस कहते हैं हाँ सर तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा अच्छा कोई आपसे पूछे कि प्रीवियस ईयर कैन बी अड शॉर्टरियड शॉर्टर एंड ट्वेल्व मंथ इन अचुएशन वेयर अ न्यू सेटअप न्यू बिजनेस इज कैमेन्स इन द मिडल ऑफ द ईयर टी टू की एबसोल्यूटली सर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस ईयर फॉर अनडिसक्लोज इनकम आपने कोई इनकम छुपाने की कोशिश करी वेयर यू ट्राइड कंसीलिंग योर इनकम सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं वेयर इनकम इज नॉट डिस्कलोज बाय द टैक्स पेयर बट इट इज डिटेक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द ऑफिसर द इनकम टैक्स ऑफिसर हैज कॉट यू रेड हैंडेड कंसीलिंग योर इनकम देन द सोर्स फॉर विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन बाय द एओ अस टू द एओ Assessee to the AO in that case, it is deemed to be income of the year in which it is disclosed. So, what will the previous year of that income which was uh, found by the assessing officer, which has not been showed by the assessor in any of his uh, previous years? matlab black money kamaya tha pesa kamaya disclose nahi just show nahi So, let's say, let's say, previous year. 2016-17 तो एम टॉकिंग वे बैक इन तीन चार साल पहले की बात है नहीं 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 मैंने कोई चोरी नहीं करी नहीं, नहीं, just making an example दोस्त T2 tried concealing. Tried concealing. इसने इनकम कंसील करी थोड़ा सा बोर्ड से बाहर चला गया इट्स ओके टी टू ट्राइड कंसीलिंग इनकम in the year 2016-17 however however he was caught he was caught in the previous year 2019-20 liye he is not able to give a satisfactory answer in that case this concealed income will be taxable in the year 2019-20 assuming टू बी क्या क्या अज्यूम करेंगे यही चीज अज्यूम करेंगे दोस्तों कि ये 2019-20 की ही इनकम थी तो प्रीवियस ईयर फॉर अन्डिस्कलोज सोर्स ऑफ इनकम जिसके लिए आपसे पूछा गया ये पैसा मिला है कहां से आपने कमाया था टू विच यू आर नॉट एबल टू आंसर सैटिस्फेक्ट्री टू दिंग ऑफिसर इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच यू यू एक्चुअली ट्राई टू कंसिडर इट इट विल बी कंसिडर टू बी इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज डिस्कलोज उंड hmm. और ये कौन कौन से केसेज हैं सर जिन्हें अनुज इनकम माना जाता है उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशनो दिशेनियस चैप्टर दोस्तों जहां छोटे छोटे ऐसे पॉइंट मिलेंगे विच विल नॉट रिलेट टू अर्टिकुलर चैप्टर तो आई है स्मॉल टैक्स पोर्शन फेयर एंड ऑफ कहते हैं हाँ सर तो इन दोनों नोट में दोस्तों कुछ ना कुछ अलग चीजें थी और इन दोनों नोट ने बताया कि प्रीवियस ईयर फॉर अ फर्स्ट पॉइंट जो कहता है फॉर अ न्यूली सेटअप बिजनेस विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप टू द द एंड एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ईयर मार्च सेकंड पॉइंट प्रीवियस फॉर इनकम विल बी दैट ईयर इन विच सच इनकम इज डिस्लोज क्लियर हुआ कहते ठीक है सर बिल्कुल क्लियर हो गया नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोगों को ध्यान हो वी वर डूइंग द फाइव डूंगाइंट पहला पॉइंट था टोटल इनकम जिसमें फाइव हेज की बात करी टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस प्रीवियस ईयर के साथ हम लोगों ने असेसमेंट ईयर की भी बात करी तो आई एम टेकिंग ट्राइन लिंक एक बार करूंगा टैक्स निकालना इज वॉट यूट इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ कमिंग ऑन टू असैसमेंट इयर असैसमेंट इक्शन टू क्लॉज नाइन क्या कहता है बहुत ही आसान सी दो लाइनों में असैसमेंट इिफाइन कर दिया गया है and why don't i ask my two friends t2 and kiki to help me out with the assessment here you will have to speak two lines about this uh, section 2 clause 9 and you will get two marks for this so one line by t2 and another by kiku t2 starting with you sir so what do you mean by assessment here sir assessment here means uh, the year in which we compute we determine the income of the previous year well done one mark to you कू अब आपको बताना है क्या होता है असैसमेंट इसेसमेंट इयर तो यही होता है जिसमें अपन पिछले साल की इनकम निकालते हैं दिस इज वॉट यूर फ्रेंड हेज ऑलरेडी सैड सो आई डोंट यू हेल्प अस आउट ओके आई हेल्प यू आउट विद अट ईयर विच इज बेसिकली अनेंशियल ईयर Having 12 months commencing on the first day of April, and if it is starting on the first day of April, it will automatically end on 31st March. So, if you ask, "Assessment year can be a period of less than 12 months?" No, false. It is always a period of 12 months, which will commence on the first day of April. Let us have a look at this. Assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. Income of previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year this is what our friend t2 said well done for example the assessment year 2021 will commence on 1st april 2020 and will end on 31st of march 2021 and the previous year to this assessment year is 2019-20 which will start from 1st april 2019 to 31st march 2020

कैलेंडर दिए हुए ब्रेकअप दिया गया देखो भाई बहुत ध्यान से करना है असेसमेंट ईयर में इनकम निकालनी है या असेसमेंट ईयर की इनकम निकालनी है तो असेसमेंट ईयर में हम हमेशा हमेशा प्रीवियस ईयर की ही इनकम निकालेंगे तो इफ द क्वेश्चन स्टेटिंग इफ द क्वेश्चन इज स्टेटिंग आई एम जस्ट पुटिंग इट हेयर इफ द क्वेश्चन स्टेटिंग कंप्यूट इनकम of previous year 2019-20 or assessment year 2020-21 then they are actually asking you the same thing to kai bar aap logo ko question mein milega compute income of the previous year 1920 aur फिर कई बार क्वेश्चन में मिलेगा compute income for the assessment year 2021 are they asking you the same thing yes

19 तो सर अप्रैल वाला महीना ये है तो अपन यहां से चालू करेंगे ये देखिए सर 2019 भी मिल गया और हमें अप्रैल भी मिल गया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 28,000 बट 28,000 इज ओनली फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट थ्री मंथ्स तो 28,000 उसके बाद सर 10,000 ले लीजिए ओके okay. और फिर अपन 20 ले लेते हैं हो गया टी टू कहते नहीं नहीं सर उजेंड नाइनटीन हमें टू थाउजेंड ट्वेंटी में भी थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक नाउ वी विल कम ऑन टू ये वाला सर टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी टू थाउजेंड भी लेना पड़ेगा वेल डन प्लस प्लस थर्टी टू थाउजेंड टोटल करके बताओ जी दोस्तों कितना सर टोटल करके नाइनटी थाउजेंड रुपीज आ रहा है तो दिस इज द इनकम फॉर द ए वाई ट्वेंटी ट्वेंटी और पी वाई नाइनटीन ट्वेंटी कीकू कैन यू हेल्प मी आउट विद द नेक्स्ट वन कहते हैं फर देंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आपको स्टार्टिंग करनी होगी फ्रॉम द अमाउंट सिक्सटीन थाउजेंड सर प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेल्व विच इज कमिंग आउट टू बी एटी फोर थाउजेंड एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस कहते हैं सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो सोचना ही नहीं वेल डन क्वेश्चन नंबर वन का आप लोगों के सामने सोल्यूशन आ गया है computation of income for the py uh, for the ay 19, uh, 2021 and 21 22 ay 2021 is equals to py 1920 which is first april 2019 so 31st march 2020 starting with 28 10 20 and 32 this is what i also wrote on the board coming out to be total 90000 and vesa hi doston for the AY21-22, previous year 2021, 16-27-29-12, coming out to be 84,000. Everybody clear about this? Can I absolutely, sir? Coming on to one more question, dosto. This is the Viva question. This will not take more than one minute. But you will have to answer me smartly and quickly also. Because this is a Viva question. Coming on to question number two. Question number two onto your screen and then what will be the previous year in relation to the assessment year 2020-21 in the following cases? sonu started a medicine business on the 14th of march 2020, so he started his business in the month of march. a march business, hua to close hoga? sir, 31st March 31st because, if there is a starting of a new business,

नेक्स्ट अ अर्सन गिफ्ट लोन ऑफ सिक्स लाख रुपीज एट द रेट टेन परसेंट पर एनम ऑन नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन तो लेट्स आई थाउंड लोन ऑफ सिक्स लाख रुपीज टू माइ फ्रेंड की कू फ्रॉम विच आई विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट टेन परसेंट पर एन एम अब बात यह आती है कि मेरे को यह इनकम कब मिलेगी एक साल बाद ऑन द सेव ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी हाउ एवर डिड आई अर्न एनी थिंग फ्रॉम द सेवनटींथ से थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी क्योंकि इट इज अराउंड सिक्स मंथ एंड फ्यू डेज आपने इंटरेस्ट इस महीनों का भी तो होगा तो इन दैट केस दैट इनकम दैट अक्रूड इनकम दैट अक्रूड इंटरस्ट विल बी कंप्यूटेड फॉर दिस इयर ओनली एंड दैट विल बी फ्रॉम द सेवनटींथ सेन To the 31st of March 2020. Let us have a look at the solution. Computation of previous year. Previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which it was set up. Clear? Case number one, 14 March 2020 to 31st March 2020. Hardly 18 days. And then case number two, 17th of September 2019 to 31st of March 2020. एप्सोल्यूटली सर कमिंग ऑन टू द पर्सन द फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सेक्शन नंबर वन मतलब सेक्शन नंबर फोर हमने जो पॉइंट नंबर वन पढ़ा था बेसिस ऑफ चार्ज इफ यू गाइस रिमेंबर इन एबसोल्यूटली पर्सन हर एक इंसान के पिछले साल की टोटल इनकम विल बी कंप्यूटेड इन दसेसमेंट इिस इज वॉट द फर्स्ट लाइन इज ट्राइंग टू कन्वे इन सेक्शन नंबर फोर

जहां पे फैमिली के मेंबर साथ में मिलके काम करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है विद द नेम मी एफ फादर माई मदर एंड माई वाइफ वी हैव एच यू एफ कॉल्ड एस एस एन सन्स ओके तो इन दैट केस एस एस एन सन्स की भी इनकम निकाली जाएगी कि ये फैमिली साथ मिलके कितनी कमाई कर रही है उसको एच यू एफ में कंसिडर किया जाता है थर्ड कंपनी

तो जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर काम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट एंड दे डू नॉट इंटेंड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन ओके और इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो देन इट इज नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नो मेजर डिफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम दीज वन टू स्मॉल डिफरेंसेस एंड फाइनली एवरी आर्टिफिशियल एवरी आर्टिफिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई ये सारी लोग भी पर्सन में आते हैं तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल एवरी फैमिली इज पर्सन एंड इन सभी लोगों की पिछले साल की टोटल इनकम निकाली जाएगी इन द इन द असेसमेंट ईयर इन ऑर्डर टू कंप्यूट और फिर टोटल इनकम निकालने के बाद हम उस पर रेट्स लगाएंगे रेट्स लगाएंगे तो टैक्स कर आएगा एंड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है जी कहते ठीक है सर क्वेश्चन नंबर थ्री इट्स एन एम सी क्यू तो दोस्तों अब हमारा पैटर्न विल बी लाइक दिस हमने कुछ भी पोर्शन किया हम एम सी क्यू पूछ लूंगा कभी भी क्वेश्चन पूछ लूंगा सो दैट आई कैन कीप यू ऑन योर टोज ओके क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स सर ये तो आपने बिल्कुल शुरुआत के पॉइंट का पूछ लिया हाँ जी कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी नन ऑफ द अबव

क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया आज की क्लास यहीं तक रखेंगे लेकिन आज की क्लास में जाने से पहले आई हेल्प यू आउट विद सेक्शन फोर वेरी फास्ट सेक्शन फोर के इधर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से और थियोरिटिकल पॉइंट्स करेंगे एंड फॉलोड बाय फॉलोड बाय वी विल ऑल्सो डू सम बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स अब बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में जो पांच इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं उन्हें लिख रहा हूं टोटल इनकम और मैं अब सिक्वेंशली लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर पर्सन दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन योर कॉपी सो दैट जब घर पे जाओ तो एक थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा लगेगा एंड वंस यू आर डन विद दिस तभी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करेंगे क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास विल बी अ टू यू टोटल इनकम में सरकार ने कितने हिस्सों में तोड़ा है टी टू कहते हैं गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड दिस टोटल इनकू टोटल इनकम इनटू फाइव हेड्स ऑफ इनकम स्टार्टिंग विद सैलरी दूसरा हाउस प्रॉपर्टी एम राइटिंग इन एब्रीविएटेड फॉर्म जी चौथा कैपिटल गेन्स पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो दीज आर द फाइव हेड्स दैट वी एक्चुअली अर्लियर एज वेल अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि इन फाइव हेड्स को करने के बाद भी हमारा आंसर पूरा नहीं होता सिक्स पॉइंट होता है एड क्लबिंग ऑफ इनकम एक इंसान की इनकम दूसरे इंसान के में जोड़ी जाएगी कब क्यों कैसे दिस इज वॉट गोना डील इन चैप्टर नंबर एट डोंट वरी अबाउट दैट लेस सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एक बिजनेस में फायदा हुआ दूसरे में नुकसान हुआ क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं द लॉस ऑफ वन बिजनेस टू द इनकम ऑफ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसिस इसके बाद आता है जी टी आई ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से द गवर्नमेंट अलाउज अलाउस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए जिसके सेक्शंस है एट्टी सी टू एट्टी यू और ये सारा माइनस करूंगा देन आई विल अराइव एट आई विच इज द टोटल इनकम अब टोटल इनकम आया क्या क्लियर हुआ कहते हैं हां सर तो वी आर सपोज टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ विच ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्ड एज आई रिटर्न बिफोर ऑल्सो टोटल इनकम निकालनी है किस किस की निकालनी है हर एक पर्सन की निकालनी है पर्सन में फटाफट बताओ सब लोग कौन कौन आते हैं सर इंडिविजुअल आते हैं एच यू एफ आते हैं कंपनीज आती हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स आती हैं लोकल अथॉरिटीज आती हैं एओपीबीओआई आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं वेल वेल वर्ल्ड एंड एट्सेट्रा एवरी आर्टिफिशियल पर्सन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन इन ए असेसमेंट ईयर इनकम असेस करेंगे कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन दसेसमेंट इप्लाई रेट रेट लगाएंगे अगली क्लास में सिखाऊंगा एंड द इनकम टैक्स विल बी डिपोजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी हेयर रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी हेयर रिप्रेजेंट कैपिटल गेंस डू नॉट गेट कन्फ्यूज मैं लिख भी देता हूं फुल फॉर्म कंफ्यूजन ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट

एक्टिविटी एंड इनकम टाइप्स ऑफ टेक्साइज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जिसको आपको बियर करना पड़ेगा जिसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स है इनडायरेक्ट इन विच यू कैन पास इट ऑन टू अनदर पर्सन जिसमें जीएसटी ड्यूटी आता है दो कस्टम ड्यूटी पार्ट ऑफ याइनली वाई बेटरमेंट ऑफ द नेशन क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर आज की क्लास यहीं तक दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास इज गॉन सुपर सुपर क्रेजी फानी क्लासेज बिकॉज इन विच यू गॉल्ट टाइम एंड टाइम एंड देन यू विल स्टैंड बैक अपने आप से गलतियां करोगे सुधरोगे गलतियां सुधरोगे ट्रस्ट मी अपना ध्यान रखेंगे मेहनत करेंगे